स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। मैं हूं सरपुल सेगर, आप लोग देख रहे हैं AHMJ न्यूज़। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा मुंबई में कि किस तरह से लोग कतर लगा हुआ है वैक्सीन लगाने के लिए। रोड के किनारे बहुत ही भारी संख्या में लोगों का लाइन लगा हुआ है वैक्सीन लगाने का। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जगह है ही नहीं, इतना भारी संख्या में लोग आए हैं वैक्सीन का टीका लगाने। तो देखिए इस वीडियो में पूरा आप लोगों को जानकारी मिलेगा कि किस तरह से लोग जो है वैक्सीन लगाने के लिए उतावला हो रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो को पूरा। ये मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां लोग कोरोना से बचने के लिए किसी भी हाल में वैक्सीन की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन BMC के लचर इंतजामों की वजह से डर है कि ये टीकाकरण कहीं जान बचाने के बजाय कोरोना विस्फोट का जरिया न बन जाए। ये हाल तब है जब 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है। सोचिए 1 मई से जब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी तो क्या होगा। वैक्सीन की कमी और उमड़ती भीड़ की वजह से ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अभी 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। सिर्फ एक ही अपील करना है सभी को कि आप अनुशासन से काम कीजिए, कोई भीड़भाड़ वहाँ पर न कीजिए, और ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स ये कोविड-19 संक्रमण के सेंटर्स बने, ऐसा न हो, ये खबरदारी हम सभी लोगों ने लेने की जरूरत है। इस हिदायत के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखाती हैं कि जिसका डर था वही होता दिख रहा है। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 8:30 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई। 10:30 बजे उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब तक जहां तक नजर जा रही थी लोग वैक्सीन लगवाने के इंतजार में खड़े थे। मुंबई में 75 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 प्राइवेट अस्पतालों में हैं। BMC को कल रात ही कोविशील्ड की नई खेप मिली, यही वजह है कि सुबह वैक्सीनेशन का काम देरी से शुरू हुआ। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मुंबई में अलग अलग जगह में वैक्सीन का टीका लगाने के लिए सब लोग जमा हुए हैं और लाइन लगे हुए हैं। तो आप लोगों को पूरा ये वीडियो में पूरा जानकारी देने की कोशिश किया। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को पता चलेगा कि वैक्सीन किस तरह से लग रहा है मुंबई में और कितना भारी संख्या में लोग जमा हुआ है। और मेरा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ।